हेलो गाइस, दिस इज प्राची एंड वेलकम टू एनिमराज। आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के नए ब्लॉग पे, जहां आप सभी के लिए मैं लेटेस्ट अपडेट लेकर आ चुकी हूं। सो हम करेंगे आज के ब्लॉग की शुरुआत जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाने वाली हूं हमारे आज के बिहाइंड द सीन। सबसे पहले आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, ये है लाटू की कहानी, जिसका एपिसोड नंबर 8 जो है अभी ये सामने बनना शुरू हो रखा है। ये देख रहे हो आप, एनिमेशन चालू की है और ये जल्द ही आप लोगों के लिए लव सिटी पे डलने वाला है। मैं जानती हूँ आप लोग इसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि आगे कहानी में क्या होने वाला है, और आप देख ही सकते हो स्क्रीन पे कि किस तरीके से ये बनना शुरू है। और अभी तो चल ही रहा है इस पर काम, तो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस काम को ख़त्म किया जाए ताकि आप सभी के लिए आगे के भी एपिसोड देखने के लिए मिले। मैं जानती हूँ आप लोग वेट कर रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, आपका इंतज़ार बहुत अच्छा होगा, तो इंतज़ार कीजिए, हम जल्द ही इस एपिसोड को अपलोड कर देंगे। वही इस तरह देखिए, ये है कागर टीवी की कहानी, अमीर और गरीब सहेली का चौथा एपिसोड, जो कि आप सभी के सामने आज से बनना शुरू हो गया है। जल्द ही थर्ड एपिसोड आपके लिए डालेंगे हम, और फिलहाल अभी जो है फोन पे भी काम होना शुरू हो गया। तीसरा एपिसोड आपके लिए बन चुका है, जो कि आज मैं आप सभी के लिए कागर टीवी पे अपलोड होने वाला है। तो मैं जानती हूँ आप लोग उसको पसंद करेंगे, ज़रूर करेंगे, और इंतज़ार करेंगे नेक्स्ट फोर्थ एपिसोड का, जो कि देख सकते हो बन रहा है और जल्द ही हम इस एपिसोड को डाल देंगे। सो दैट्स इट, ये थे हमारे आज के बिहाइंड द सीन, और अब हम चलते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं हमारी आगे की अपडेट की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एनएम स्टोरी के नागराज के एपिसोड का, जो कि डल चुका है आप सभी के लिए एनएम स्टोरी पे, जहां आप देख सकते हो कि किस तरीके से सिमरन को मिल जाती है नागमणि, और वहीं सब जगह मतलब सोसाइटी में आ चुका है दूसरा नागराज, जिसकी फाइट हो रही है हमारे नागराज के साथ, जहाँ पे दूसरा नागराज बहुत ही गलत बातें बच्चों को सिखाता है, जिसकी वजह से बच्चे पावर के लालच में आके वो चीज़ें करते हैं, बुजुर्गों को परेशान करते हैं। और जब ये बात सिमरन तक पहुँचती है, तो वो ये बात का जिक्र जो है विराज से करती है। विराज क्या जान पाएगा कि ये चीज़ें कहाँ से हो रही है, क्योंकि नकली नागराज ने हर तरफ फैला दी है ये बात कि मैं कोई रक्षक नहीं हूँ, आप लोगों को अगर मेरे जैसे पावर चाहिए तो लोगों को इसी तरीके से परेशान करना होगा, जिसके बाद ही मैं अपनी सुपर पावर्स आप सभी को दे पाऊंगा। तो इसी तरीके की अभी चीजें चल रही हैं। वही जो है सिमरन को भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो विराज है वही नागराज है, लेकिन अभी तक वो इस बारे में नागराज से उसने पूछा नहीं है, यानी कि विराज से अगर वो पूछेगी तो क्या विराज सच बोलेगा कि वही नागराज है, और नागराज के पीछे की कहानी क्या है। आप लोग इसके लिए एक्साइटेड हो गए जानने के लिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या था और क्या होने वाला है आगे के लिए, इसलिए आप सभी के लिए इसका 9th एपिसोड बन रहा है, और वो आप सभी को जल्द ही देखने के लिए मिलेगा, यानी कि कल तक आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, वो भी एनएम स्टोरी पे, जहां आप उस कहानी को भी बहुत पसंद करोगे और आप लोग और भी कई राज आप लोगों को जानने को मिलेंगे उस एपिसोड में। फिलहाल अभी तो वो बन रहा है, और जैसे ही बनता आप सभी के लिए उसको अपलोड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं तो लव सिटी की करते हैं। लव सिटी पे आप सबके लिए कहानी चल रही है लाडो, जिसका जो है एपिसोड आप सभी को मैं बिहाइंड द सीन में दिखाई चुकी हूँ कि जहाँ पे अभी 8th एपिसोड की तैयारी हो रही है, और जैसे ही वो ख़त्म होती है आज में ही आप सभी के लिए लव सिटी पे 8th एपिसोड को डाल दिया जाएगा। लाटो की कहानी दिन ब दिन दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है कि आखिर जो है खुशी के पीछे का राज क्या है, वो लाटो से खुशी कैसे बनी, उस तक का सफर आप सभी को अभी देखना बाकी है कि वो उस घर में आई कैसे, और क्या सागर को पता चलेगा कि खुशी का राज क्या है। खुशी एक बड़े घर की बेटी नहीं बल्कि एक नौकरानी है, तो उस पर क्या बीतेगी और वो उसके बाद क्या डिसीजन लेगा। मैं जानती हूँ अभी आप सबके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, और इसको लेके आप लोग काफी एक्साइटेड भी होंगे कि आखिर कब ये एपिसोड डलने वाला है। तो ये एपिसोड जल्द ही डलेगा, और जहाँ अभी इस एपिसोड में देखोगे कि परी को भी सागर पसंद आ चुका है, जहाँ पे उसके घर वालों ने शादी कर दी है फिक्स परी और सागर की, लेकिन सागर को ऐसा लगता है कि उसकी शादी जो है परी के साथ नहीं बल्कि खुशी के साथ फिक्स हुई है। तो जब इस बात से पर्दा हटेगा तो सागर किस तरीके का रिस्पॉन्स करता है अभी देखेंगे आगे आने वाले एपिसोड में। तब तक के लिए आप थोड़ा इंतजार कीजिए, जल्द ही डालेंगे इस एपिसोड को लव सिटी पे। नेक्स्ट बात करते हैं कागर टीवी की, जहाँ पे आपका एपिसोड कल नहीं डल पाया था किसी टेक्निकल इशू में, जो कि आज चलेगा, जिसका नाम है अमीर गरीब सहेली एपिसोड नंबर 3, जो कि कल डलने वाला नहीं डल पाया है, और उसको डलने की कोशिश करेंगे कि आज मैं आप सभी के लिए कागर टीवी पे उसे डाल दिया जाए।
और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को कहानी और भी ज्यादा मस्त तरीके से, एंटरटेनिंग तरीके से आप सभी के सामने रिप्रेजेंट करी जाए, जहाँ आप देखने वाले हो माही और सुहाना के बीच में काफी डिफरेंस आने वाला है। जिंदगी अब जो है पलटने के मोड़ पे आ चुकी है कि आखिर अब क्या होने वाला है। मैं बोलना चाहती हूँ कि जो तीसरा एपिसोड है वाकई में बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड वाला है, जिसमें आप लोग देखोगे कि सागर फाइनली जो है प्रपोज कर देगा माही को और माही उसके रिप्लाई में क्या जवाब देती है, इसके लिए तो आपको एपिसोड देखना होगा। तो इसलिए इंतजार करते हैं एपिसोड का, जब डलेगा आप देखना, कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा। नेक्स्ट बात करते हैं हॉरर सिटी की, जहां आपने देखा हमारा टू ट्रू होटल हॉरर स्टोरी जो कि हमारी डल चुकी है हॉरर सिटी पे। नहीं देखा जल्दी से जाकर जरूर देखना। कल के ब्लॉग में मैंने आप सभी को बताया था कि होटल से रिलेटेड दो पैरानॉर्मल जिसे आप सभी के सामने हम रखेंगे, शेयर करेंगे, जिसको आपको देखना है तो वो अपलोड हो चुका है, जाइए जाकर जरूर देखिए। बहुत अच्छा एपिसोड है जहाँ पे आप लोगों को डर लगना तो बिल्कुल कॉमन सी बात है, इसलिए आप लोग जरूर जाके देखिए और जितना हो सके इसे शेयर भी जरूर करना। सो दैट्स इट, ये थी हमारी आज की टोटल अपडेट और हम कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, जहाँ पे आप सभी से डिस्कस करेंगे जो भी एपिसोड हमारे अपलोड हुए हैं उसके बारे में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और हमारी कहानियों को पसंद करते रहिए। जो भी एपिसोड डालेंगे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो कल हम मिलते हैं ऐसी जगह पे, तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आप सभी को टाइम टू टाइम अपडेट मिल जाए।